क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी सेकंड। चैप्टर का नेम है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ इश्यू ऑफ शेयर कैसे किया जाता है। और इश्यू ऑफ शेयर्स में कंडीशन जो है आज का वो है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताऊँगा मैं आपको। तो कॉल्स इन एरियर किसे कहते हैं? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है ड्यू, यानी पैसा बकाया रह जाना। मतलब क्या हुआ कि मतलब यह है कि क्योंकि शेयर बहुत सारे शेयर होल्डर्स परचेस करते हैं, बहुत सारे लोग परचेस करते हैं, उनको पेमेंट करना होता है अलग अलग किस्तों में। उसमें 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं, उनका पेमेंट जो है बकाया रह जाता है, हो सकता है बाद में करे, हो सकता है ना करे। तो अगर किसी भी कॉल का पेमेंट बकाया रह जाता, कोई एक शेयर होल्डर, मान लीजिए ए एक शेयर होल्डर है, उसके बाद 200 शेयर है और वो अपने फर्स्ट कॉल का 30 रुपये पेमेंट नहीं कर रहा है, तो 200 × 30 यानी कि कितना, 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये कंपनी को नहीं मिलेगा। तो 6,000 रुपये जो कंपनी को नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट ड्यू होता है, ड्यू में से जब बैंक की एंट्री करते हैं उसमें से माइनस कर दिया जाता है। उसका उल्टा होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि पेमेंट एडवांस में कर देना। मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने अपने फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा भी जमा कर दिए, ठीक है। तो ऐसा होता है जिसका पैसा ज़्यादा होता है वो क्या बाद में पैसा देना, उससे अच्छा भी दे दो, पेमेंट होता है। तो जो पैसा जब बाद वाला कॉल का, बाद वाले इंस्टॉलमेंट का भी पहले आ जाता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हमेशा ध्यान में ये रखना है आपको कि इससे पेमेंट हमारा पास ज़्यादा आता है तो इसको हम करते हैं क्रेडिट, और कॉल्स इन एरियर को हम करते हैं डेबिट या माइनस करके छोड़ देते हैं। कैसे एंट्री करेंगे वो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। रूपक लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल ₹20 पर शेयर। रूपक लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए 100 रुपये के हिसाब से, ₹20 पेबल है एप्लीकेशन पे, ₹30 पेबल है अलॉटमेंट में, और बाकी जो बचे 2 कॉल्स ऑफ 25 पर शेयर। 2 कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 25 रुपये के हिसाब से मांगा गया है। द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बट ड्यूली रिसीव, एप्लीकेशन का सारा पैसा मिल गया है, अलॉटमेंट का सारा पैसा मिला है। ऑन फर्स्ट कॉल ऑल मेंबर्स पेड देयर ड्यूज, सारे पेपर ने अपना ड्यू दे दिया एक्सेप्ट वन मेंबर, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जिसको 200 शेयर है, वाइल अनदर मेंबर होल्डिंग 500 शेयर पेड फॉर द बैलेंस ड्यू इन फुल। एक मेंबर ने 500 पूरे के पूरे पेमेंट कर दिए, जबकि एक के पास 200 शेयर था, उसका ड्यू रह गया, नहीं बाकी रह गया, किस कॉल के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, फाइनल कॉल मांगा नहीं गया। तो फाइनल कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हमें एप्लीकेशन की एंट्री करना है, अलॉटमेंट की एंट्री करना है और फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, ठीक है। अब एंट्री करने से पहले हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी है कि कितना पैसा कहां पर आया है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन में कितना रुपये मांगा गया है, ₹20। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पर हमारा पास जो अमाउंट आ जाएगा वो हो जाएगा 2,00,000। फिर है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में अमाउंट आना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि 3,00,000। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल में अमाउंट आना चाहिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कि 2,50,000। लेकिन हुआ क्या, एक पार्टनर है जिसके पास, सॉरी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने अपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो 200 × 25 यानी कितना, 25×50, 5,000 रुपये उसने पेमेंट नहीं किया, तो 5,000 क्या हो गया, एरियर हो गया, इसे माइनस कर देंगे। जैसे 5,000 रुपये नहीं दिया तो कितना रुपये पेमेंट होगा, 2,45,000, ठीक है ना, क्योंकि 5,000 आ नहीं रहा है। लेकिन एक और शेयर होल्डर है
जिसके पास कितने शेयर से 500 शेयर से, उसने अपने फाइनल कॉल का पैसा, किसका पैसा, फाइनल कॉल का पैसा यानी कि 25 रुपये और यहाँ पर एडवांस भी दे दिया, तो 25 × 75 7,500 रुपये इसका एडवांस में आ गया। ठीक है, तो 7,500 रुपये जो एडवांस में आ गया है तो टोटल कितना पैसा मिलेगा, 0,05,25,2, सॉरी ध्यान रखिए मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया है, तो ये 25 सम कितना होता है 125, यानी कि 12,500 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 12,500, तो अमाउंट कितना हो जाएगा ये 005752। फिलहाल टोटल अमाउंट की एंट्री करनी नहीं है हमें कमें क्योंकि हमें कैशबुक बनाना है, तो फिलहाल 12,500 है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन पूरा होने के लिए बाद हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, बट ध्यान में ये रखना है कि हमें कैशबुक बनाने के लिए कहा गया है, और जब कैशबुक बनाते हैं तो केवल ड्यू की एंट्री करते हैं, तो जिसमें पहली एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर के एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, तो ये एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना मनी हो रहा है 3 लाख। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, नेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड, ड्यू करने की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी को, तो ये हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना मनी ड्यू हो रहा है इसका, ये हो रहा है हमारा 3 लाख। तो पहला वाला मेरे ख्याल से, सॉरी ये था आपका कितना 2 लाख था, है ना, तो मैंने गलत अमाउंट डाल दिया, दैट इज 2 लाख। देखिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2 लाख, हाँ 2 लाख था, मैंने 3 लाख लिख दिया, ध्यान रखिएगा अमाउंट सही फिल करना है आपका। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, नेशन का लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, इतना पैसा आना है। और नेक्स्ट थर्ड, क्योंकि फाइनल कॉल की एंट्री कहा नहीं गया है तो हम केवल फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू है एडवांस से मतलब नहीं, हमें केवल ड्यू की एंट्री करनी है, तो ये जगह 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना जाएगा 2,50,000, नेशन क्या लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ड्यू की एंट्री यहाँ होने के बाद अमाउंट रिसीव करने की एंट्री हम क्या करेंगे, कैश बुक में करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन का मनी अलॉटमेंट का मनी पूरा मिल रहा है, तो पूरा अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख, नेक्स्ट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। बट ध्यान में ये रखना है, किसका ध्यान में हमें रखना है, फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल में ध्यान में ये रखेंगे कि यहाँ पर 2,50,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन 5,000 रुपये हमारा एरियर, तो पहले तो 5,000 रुपये माइनस कर दो, इसका मतलब हमारे पास आया कितना फर्स्ट कॉल का, केवल 2,45,000, बाकी 7,500 रुपये का एडवांस है, तो 2,45,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर। पहले तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,50,000 माइनस 5,000 है एरियर, तो ये हो जाएगा 2,45,000। आप जो एडवांस में है उसको एडवांस में डालिए, क्योंकि क्रेडिट होता रहता है तो हम यहाँ पर डेबिट साइड में डालेंगे कैश बुक में,
तो ये हो जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस 7,000, तो कितना हो गया ये, तो 25 रुपए के हिसाब से एडवांस जो आया 500 शेयर का कितना जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि 12,500। ठीक है, अब इसका टोटल करना है, तो टोटल कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 7,57,500, क्योंकि कुछ भी इधर पेमेंट गया नहीं है, तो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, बैलेंस में डालेंगे, बाय बैलेंस सीडी 7,57,500, 7,57,500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, मोहित ग्लास लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 110 पर शेयर। अब देखिए 100 का शेयर है, 110 में इशू किया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीमियम। अगर जितने का शेयर होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर इशू होता है, उसको प्रीमियम बोलते हैं, और उसके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा अभी। पेबल एट 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो नॉर्मली प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ एंट्री होता है। ठीक है, यानी कि 40 रुपये का अलॉटमेंट है, तो ये 40 रुपये अलॉटमेंट का नहीं है, 30 प्लस 10, 30 रुपये अलॉटमेंट का और 10 रुपये प्रीमियम का है। 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज़ फाइनल कॉल। द एप्लीकेशन पर रिसीव 24,000 शेयर्स एंड अलॉटेड 20,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड 4,000 शेयर्स। 20,000 शेयर इशू किया गया था, 24,000 की एप्लीकेशन आए, 20,000 को अलॉट कर दिया गया और 4,000 को वापस कर दिया, 4,000 शेयर पूरे वापस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारा का सारा शेयर वापस, एक्स्ट्रा शेयर जो था। ठीक है ना, अमाउंट रिटर्न देयर ऑन द मनी बस ड्यूली, बाकी सारे पैसे हमें रिसीव हो गए, आपको जर्नल एंट्री करनी है, यहाँ पर कैश बुक नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। पहले कैलकुलेशन तो करेंगे एप्लीकेशन के लिए, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर और एप्लीकेशन में मांगा 30 रुपये, यानी कि कंपनी के पास, हमारे पास होने चाहिए कंपनी के पास 6,00,000 रुपये, लेकिन एक्चुअली में कंपनी के पास 24,000 शेयर आ गए 30 रुपये के से। ठीक है ना, तो ये हो गया 24 दिया 72। ठीक है, तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 1,20,000। कंपनी ने क्या किया, ये 1,20,000 यानी कि 4,000 शेयर जो एक्स्ट्रा थे उसको वापस कर दिया, क्या कर दिया, वापस कर दिया, दैट इज रिफंडेड। तो वापस करने की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, जितने का शेयर है उतना ही है, यानी कि 20 × 30 + 10 यानी कि 40, 30 किसका अलॉटमेंट का, 10 किसका प्रीमियम का, तो ये हो जाएगा आपका 6,00,000 और ये हो जाएगा आपका 2,00,000। टोटल अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव होना है, 8,00,000। इसको मैंने अलग अलग लिखा था कि समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा, और फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो 20,000 × 20 यहाँ पर आ जाएगा 4,00,000। सेम 20 रुपीज़ फाइनल कॉल का भी है, तो फाइनल कॉल में भी आ जाएगा कितना, 4,00,000। ठीक है, तो ये कंप्लीट टेबल बन गया। अब इसकी एक एक करके एंट्री करेंगे, तो पहले एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की, तो क्योंकि कैश बुक बन नहीं रहा तो सारी एंट्री करेंगे, बैंक से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ बैंक में, 7,20,000, 7,20,000 तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 7,20,000। नरेशन क्या लिखेंगे, हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसी की सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की, हो जाएगा
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू शेयर कैपिटल में सर नेट अमाउंट जाएगा कितना 6,00,000 जितने का होना चाहिए दैट इज 6,00,000 क्योंकि बाकी पैसा क्या रिजेक्ट कर दे रहे हैं। रिजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे जहाँ से पैसा वहाँ वापस यानी कि टू बैंक अकाउंट 1,20,000 ठीक है। तो ये क्या करेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस रिफंडेड ठीक है ना। ये हो गया नेक्स्ट अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था और प्रीमियम की एंट्री ड्यू के साथ होती पहले एंट्री के साथ होगी दैट मीन्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया 8,00,000 ठीक है। 8,00,000 का होना है लेकिन 8,00,000 में से पहली बात तो है शेयर कैपिटल के कितना है वो देखना है। शेयर कैपिटल कितना केवल 6,00,000 क्योंकि 30 रुपये है अलॉटमेंट का 10 रुपये प्रीमियम है तो 6,00,000 डालिए आप शेयर कैपिटल में। बाकी जो बचा 2,00,000 है वो चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ठीक है। तो इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू विद ₹10 प्रीमियम ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारा पैसा आ गया है कुछ भी बाकी नहीं है तो हम क्या करेंगे मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,00,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8,00,000 जैसे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट के बाद क्या करते हैं हम फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है फर्स्ट कॉल का 4,00,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,00,000 तो ये हो जाएगा एंट्री आपकी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे कुछ बकाया नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए जल्दी जल्दी एंट्री होगी। एंट्री एक बार रट जाए ना कोई दिक्कत नहीं होती जल्दी जल्दी हो जाती है ठीक है ना। किसके बाद क्या एंट्री करना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,00,000 तो एंट्री क्या करेंगे नरेशन क्या लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब बचा है लास्ट कॉल यानी कि फाइनल कॉल इसको भी पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे तो हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इसका भी 4,00,000 रुपीज़ है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,00,000 नैसे लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू कंप्लीट। हम क्या करेंगे रिसीव करने की एंट्री करेंगे तो एंट्री होती है इसकी बैंक अकाउंट डेबिट 4,00,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट
4 लाख। तो नरेशन शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब लास्ट में क्या किया जाता है, सबका टोटल जनरल एंट्री पूरा जो किया है इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46,40,000, 46,40,000। ठीक है, ये टोटल हो गया जनरल एंट्री। चाहो तो ना करो, चाहो तो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिलहाल। ठीक है, थैंक यू।